आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2, जिसमें है जैविक वर्गीकरण एवं जगत मोनेरा। अध्याय 1 हो चुका था, अब हम देखेंगे अध्याय 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है करके। तो वर्गीकरण क्या होता है कि जीवों को, है ना, इतने सारे जीव हैं इसलिए उनको उनको अध्ययन में, है ना, उनको पहचानने में क्या होती है, कठिनाई होती है, जिसके लिए उनको अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समूहों में डिवाइड किया जाता है, उसी को बोलते हैं वर्गीकरण। तो इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्गीकरण में जगत मोनेरा को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया था। तो वर्गीकरण दिया था अरस्तु ने, सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने क्या किया कि जीवों को उन्होंने ब्लड के प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर दो भागों में उनको बांट दिया, है ना। ऐसे जंतु जिनमें ब्लड उपस्थित होता है उनको अलग समूह में रख दिया, ऐसे जंतु जिनमें ब्लड एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, उनको एक समूह में रख दिया। तो ये वर्गीकरण असफल हो गया। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक ने द्विजगत वर्गीकरण लाया। द्विजगत वर्गीकरण किसने लाया, तो कैरोलस लिनियस ने लाया। इन्होंने क्या किया कि समस्त जीवों को, है ना, या समस्त जो मतलब जितने भी जगत हैं उसको दो जगत में डिवाइड कर दिया, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। तो जितने भी जंतु हैं उनको जंतु और जंतु जगत में रख दिया गया, और जितने भी पादप हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं उनको एक जगत में रख दिया गया। तो इनमें भी क्या हुई, कुछ कमी आ गई। उसके बाद आया पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण को दिया था आरएच विटेकर ने, है ना। इन्होंने क्या किया, पांच जगत वर्गीकरण दिया था। तो हम इस पाठ के अंतर्गत इसी पांच जगत वर्गीकरण को ही पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आरएच विटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण दिया था तो किस आधार पर दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने जीवों को क्या किया, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में डिवाइड कर दिया। तो प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनमें क्या होता है, केंद्रक क्या होते हैं, अनुपस्थित होता है, और यदि पाया भी जाता है तो वो क्या होता है, अल्प विकसित होते हैं, उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो उन्होंने इस आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया। तो जितने भी जीवाणु हैं वो प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनको नाम दिया गया जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत पूरे प्रोकैरियोटिक्स जीवों को रखा गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं जीवाणु। अब हम यूकैरियोटिक्स की बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक्स में बहुत सारे जीव आते हैं। तो आरएच विटेकर ने क्या किया, इनको कोशिकी संगठन के आधार पर फिर से दो भागों में बांट दिया, ताकि हमको कठिनाई महसूस ना हो अध्ययन करने में। तो उन्होंने क्या किया, उनकी कोशिकाओं को देखा कि ऐसे जीव जिनका जो एक ही कोशिका से बने हुए थे, मतलब एक ही प्रकार की कोशिका रहेंगी, उन्हीं से वो हर चीज़ करेंगे, है ना, जितना भी उनका मेटाबॉलिज्म क्रिया है वो एक ही कोशिका से हो, तो ऐसे जीवों को उन्होंने अलग कर दिया। और बहुकोशिकी जीव, मतलब ऐसे जीव जिनकी कोशिकाएं या जिनका शरीर, है ना, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, है ना, और अलग अलग अंगों का, अलग अलग कोशिकाओं से वो उनका अंग बना होता है, उनको बोलते हैं बहुकोशिकी। तो इस आधार पर उन्होंने दो भागों में बांटा। तो यहाँ पर एक कोशिकी के अंतर्गत रखा जगत प्रतिष्ठा को। तो जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत अमीबा, युगलीना, पैरामीसियम, ये सभी जीव आते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा जगत, जगत प्रतिष्ठा करके। तो जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत जो जीव हैं वो कौन से होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, और क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। फिर हम देखेंगे बहुकोशिकी। तो बहुकोशिकी में फिर क्या हुआ कि ऐसे जीव भी थे जो क्या थे, स्वपोषी थे, और जो विषमपोषी भी थे। तो उन्होंने उनका पोषण देखा, और पोषण के आधार पर बहुकोशिकी जीवों को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे जीव जो क्या करते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से, तो उसके अंतर्गत आते हैं प्लांट। तो इनको जगत पादप के अंतर्गत रख दिया। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको किस में रखा गया, जगत पादप में रखा गया, है ना। अब विषमपोषी की बात करेंगे। तो विषमपोषी किसको बोलते हैं, तो ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं विषमपोषी जीव। अब ऐसे में बहुत सारे जीव थे जो क्या करते थे, दूसरों से भोजन प्राप्त करते थे। तो अब उनमें क्या किया गया, तो उनमें भोजन ग्रहण करने के तरीका को देखा गया कि जीव कैसे कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर विषमपोषी जीवों को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक अवशोषण और एक अंतर्ग्रहण। अवशोषण का मतलब होता है कि ऐसे जीव
जो भोजन ग्रहण करने के लिए भोजन के लिए जो अंग पाए जाते हैं, जैसे जीभ, दांत हो गया, लार ग्रंथि हो गई, लार हो गया, और जितने भी पाचन अंग हैं वो सभी अवशोषण में उपयोग नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अवशोषण। इसके अंतर्गत आता है ईस्ट, राइजोपस, है ना, जितने भी आते हैं कवक। तो इसको किस में रखा गया है? जगत कवक में रखा गया। जगत कवक के जीव जो हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी भी अंग का प्रयोग नहीं करते हैं, वो भोजन को अवशोषण करते हैं, मतलब क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत ईस्ट, राइजोपस, म्यूकस, ये सब आते हैं। अब अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण में जो जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो भोजन के लिए दांत, जीभ, लार ग्रंथि और जितने भी पाचन संबंधी जो अंग पाए जाते हैं वो सभी का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम करते हैं, है ना। जितने भी जंतु हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बंदर, है ना, कुत्ते, ये सब क्या करते हैं? भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इसके अंतर्गत जगत एनिमेलिया को रखा गया है, और जगत एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी जंतु हैं उन सभी को रखा गया है। तो इस आधार पर आर एच विटकर ने क्या किया? 5 जगत वर्गीकरण दिया था। तो हम यहाँ पर सबसे पहला जगत को ही यहाँ इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे, जगत मोनेरा, जिसके अंतर्गत आता है बैक्टीरिया। तो आगे हम देखेंगे, सबसे पहला जगत को ही हम इस पाठ के अंतर्गत डील करेंगे। तो पहला जगत है जगत मोनेरा, है ना, ये क्या है? पहला जगत है। तो अभी बताया था कि जगत मोनेरा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। तो जगत मोनेरा में किन को रखा गया है? तो प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जगत मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक्स है ना, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं वो ही आते हैं मोनेरा जगत में। तो इसके अंतर्गत हम एग्जांपल अगर देखेंगे तो कौन कौन से जीव आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव का एग्जांपल है बैक्टीरिया, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एलगी और क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें एक और आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, नील हरी सवाल और माइकोप्लाज्मा, ये किस में आते हैं? ये आते हैं जगत मोनेरा के अंतर्गत। ये सभी जीव क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, मतलब इनमें जो केंद्रक है वो विकसित नहीं होता है। तो आइए हम जगत मोनेरा के अंतर्गत, है ना, ये जीव आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, इनके हम कुछ लक्षण देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? लक्षण देखेंगे, कैरेक्टर। तो कौन कौन से इनके लक्षण पाए जाते हैं? तो सबसे पहला लक्षण हम क्या देखेंगे कि जगत मोनेरा के अंतर्गत जीव जो आते हैं, है ना, उनमें क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है, मतलब केंद्रक अब्सेंट होता है। तो पहला लक्षण क्या है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। दूसरा लक्षण हम क्या लिख सकते हैं? जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं रहेगा, है ना, केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं कि जगत मोनेरा के अंतर्गत, है ना, जो जीव आते हैं उनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। तो ये हो गया दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या लिख सकते हैं कि इनमें झिल्ली युक्त, है ना, मतलब मेम्ब्रेन सेल अब्सेंट होता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन सेल अब्सेंट होता है, तो मेम्ब्रेन सेल मतलब क्या क्या? जैसे कि हमारे जो सेल होते हैं, है ना, कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर में कोशिकीय अंग पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, ये सभी पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? अलग अलग इनके ऊपर में झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोला जाता है, है ना। अगर केंद्रक में है तो वो केंद्रक झिल्ली कहलाता है, और बाकी कोशिकाओं में है तो वो कोशिकीय झिल्ली कहलाता है। तो वही जो कोशिकीय झिल्ली है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो इसमें हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे कि, है ना, क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं इसको हिंदी में, और क्या हो जाएगा? लाइसोसोम,
राइबोसोम। तो ये सभी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंदर में ये कोशिका के अंग होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। चौथा हम क्या लिख सकते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं है ना, उनमें डीएनए जो होता है वो क्या होता है? बाइकॉल्ड राउंडेड होता है, मतलब कुंडलित डीएनए पाया जाता है ना, बाइकॉल्ड डीएनए मतलब कुंडलित डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है ना, वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में होता है। तो ये और ये सिरा क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं है ना, उनमें डीएनए क्या होता है? इस प्रकार से उनका डीएनए होता है, मतलब उनमें स्वतंत्र छोर नहीं पाया जाता है ना, इस प्रकार से उनके जो डीएनए है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या है, जैसे इनमें स्वतंत्र छोर पाए जाते हैं तो इनमें नहीं पाया जाता है ना, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कुंडलित डीएनए बोलते हैं। चूँकि हमको पता है कि इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है तो डीएनए तो न्यूक्लियस में ही रहता है, तो फिर डीएनए कहाँ पाया जाएगा जब इनमें केंद्रक ही नहीं है, है ना। तो जो इनमें जो डीएनए होता है वो इनके सेल में पूरी तरीक़ा से फैले होते हैं, है ना। जैसे कि जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है, उनमें डीएनए उनके सेल में ही फैले होते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर पांचवा हम इसमें कैरेक्टर देख लेंगे कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन है ना, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमोसोम गुणसूत्र है ना, हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमोसोम अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो डीएनए में जो प्रोटीन्स पाया जाता है ना, जैसे हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, तो इनका डीएनए क्या है? कॉइल्ड है, और इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, क्रोमोसोम इनमें अब्सेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं में क्रोमोसोम अब्सेंट होते हैं या नहीं, है ना। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जीवाणुओं में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? एक क्रोमोसोम पाया जाता है, और वो कौन सा है? उसका डीएनए को ही उसका क्रोमोसोम मान सकते हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, लेकिन जीवाणुओं में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, तो उनके डीएनए को ही हम क्या मान लेते हैं? क्रोमोसोम मान लेते हैं, और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या था? उनका ये लक्षण था। और आगे लक्षण हम देखेंगे कि जो जीवाणु होते हैं है ना, उनमें पोषण किस किस प्रकार से होता है। तो हम देखेंगे कि जीवाणुओं का जो पोषण होता है, मतलब जीवाणु जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो किस किस प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, ठीक है, खुद से भी भोजन बना सकते हैं, रसायन पोषी भी हो सकते हैं। कि कुछ जीवाणु जो होते हैं वो केमिकल क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, है ना, रसायन पोषी बोलते हैं उसको। और क्या हो सकते हैं? विषम पोषी भी हो सकते हैं, है ना, मतलब अपना भोजन वो क्या करेंगे? दूसरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम जीवाणु का पोषण देखेंगे तो वो स्वपोषी भी हो सकते हैं, रसायन पोषी भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? विषम पोषी भी हो सकते हैं, मतलब वो रसायन संबंधित जो जितने भी केमिकल्स वगैरह आते हैं, पदार्थ है ना, उसको क्या कर सकते हैं? वो अवशोषित कर सकते हैं, और क्या कर, ये अपने शरीर में केमिकल बनाकर उन क्या करते हैं? वो अपना भोजन बना लेते हैं। और क्या? विषम पोषी मतलब वो दूसरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या होता है? जो कुछ जीवाणु होते हैं है ना, कुछ जीवाणु सहजीवी होते हैं, कुछ जीवाणु क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत आता है राइजोबियम, है ना, किसको रखा गया है? राइजोबियम को। जो राइजोबियम होता है वो पौधे के है ना, जो दलहनी फसल आते हैं, जैसे कि दाल है ना, चना है, मटर, तो उनकी जड़ों में ये क्या करते हैं? उपस्थित होते हैं, है ना, और सहजीवी के रूप में क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए कुछ जीवाणु जो हैं वो सहजीवी होते हैं, मतलब जैसे कि राइजोबियम। तो यह कहाँ पर उपस्थित होता है? तो यह जड़ों में उपस्थित होता है, जड़ों में प्रेजेंट, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो सहजीवी है, तो आप लिख सकते हैं राइजोबियम।
ये क्या करता है, जड़ों में उपस्थित होता है और है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है ना। पौधों को क्या चाहिए रहता है, नाइट्रोजन चाहिए रहता है, तो जो वातावरण से जो नाइट्रोजन आता है ना उसको ये क्या करते हैं नाइट्रेट में चेंज करके है ना पौधों को क्या करते हैं देते हैं, इसीलिए वो क्या और उसके बदले में पौधों से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए बोला जाता है सहजीवी, मतलब साथ साथ क्या करते हैं दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं राइजोबियम। और क्या लिख सकते हैं कि इसका आगे लक्षण हो सकता है कि जो जीवाणु होते हैं है ना उनमें कौन सा प्रजनन पाया जाता है, तो उनमें पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन है ना, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी मोनेरा सदस्य होते हैं है ना, मोनेरा सदस्य के अंतर्गत सभी जीव आ जाएंगे, तो मोनेरा सदस्य में वर्धी, वर्धी का मतलब होता है शरीर के माध्यम से ही क्या हो जाती हैं वो अपनी संतानें उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे कि उनका शरीर है ना उनमें से अगर एक हल्का सा प्रवर्ध निकल जाता है और धीरे धीरे वो प्रवर्ध अलग हो जाता है तो ये उसकी संतान बन जाती है, तो इसी को बोला जाता है वर्धी प्रजनन। तो मोनेरा सदस्य में वर्धी प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। है ना, जीवाणुओं में या नीलहरी शैवाल में माइकोप्लाज्मा में लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता, मतलब इनमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए मोनेरा जगत के सभी सदस्यों में क्या पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या था, मोनेरा जगत के जीवों का लक्षण था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं करके। थैंक यू।